हेलो एवरीवन आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में स्वागत है आज के अपनी इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि जॉन गाल्सवर्दी की एक बहुत ही फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स से रिलेटेड होंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्ट थर्ड ऑफ़ द सिल्वर बॉक्स इज रिटन बाय फर्स्ट ऑप्शन है फ्रैंक आर्थर सेकेंड जॉन गाल्सवर्दी सी जेम्स थर्बर डी अल्बर्ट आइंस्टाइन और इसका सही आंसर है बी जॉन गाल्सवर्दी क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द नावलिस्ट कॉन्द्रेड डिस्क्राइब्स द आथर एज ये कहते हैं कि जो नॉवलिस्ट कॉनरेड है वो आथर को किस रूप में डिस्क्राइब करता है ऑप्शन है फर्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन आर्टिस्ट सेकंड है ह्यूमैनिटेरियन क्रिटिक थर्ड है ह्यूमैनिटेरियन मॉरलिस्ट और फोर्थ है ह्यूमैनिटेरियन राइटर और इसका सही आंसर है थर्ड ह्यूमैनिटेरियन मॉरलिस्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द थीम ऑफ एक्ट थर्ड ऑफ द सिल्वर बॉक्स इज सिल्वर बॉक्स के थर्ड एक्ट की थीम क्या है ऑप्शंस आपके पास है फर्स्ट है पॉवर्टी सेकेंड है एक्सप्लाइटेशन थर्ड है पॉलिटिक्स फोर्थ है इनजस्टिस सही आंसर है फोर्थ इनजस्टिस क्वेश्चन नंबर फोर्थ है मिस्टर बार्थविक इज ये कहना चाहते हैं कि मिस्टर बार्थविक क्या हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है आ लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेकंड अ कंजरवेटिव मेबर ऑफ पार्लियामेंट थर्ड अ कॉमन मेबर ऑफ पार्लियामेंट फोर्थ अ सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसका सही आंसर है फर्स्ट अ लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन नंबर फाइव है जैक बार्थविक इज डिस्क्राइब्ड एज जैक बार्थविक को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है इस प्ले में यानी सिल्वर बॉक्स में ऑप्शन है लॉ अबाइडिंग बी है डिसोल्यूट सी है करप्ट डी है स्पाइटफुल सही आंसर इसका बी क्योंकि एक बहुत ही बिगड़ा हुआ औलाद होता है अपने पेरेंट्स का ही तो इसका बी सही आंसर है डिसोल्यूट क्वेश्चन नंबर सिक्स है द केस ऑफ लाइवेंस रिप्रेजेंट्स लाइवेंस ये दो कैरेक्टर होते हैं द सिल्वर बॉक्स के तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बी क्रुएल्टी ऑफ टिरेनी। सी लीगल इनजस्टिस डी पॉलिटिकल क्राइसिस सही आंसर इसका है फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्वेश्चन नंबर सेवन है विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द केस ऑफ द लिवेंस ये कहना चाहते हैं कि लिवेंस के केस से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है ऑप्शन आपके पास हैं फर्स्ट है डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली सेकेंड है अनएम्प्लॉयमेंट सी है होमलेसनेस डी है करप्ट तो इसका डी आंसर है यानी कि ये लोग करप्ट नहीं होते हैं क्वेश्चन नंबर एट है इन द लेसन एक्ट थर्ड ऑफ द सिल्वर बॉक्स मिस्टर रोपर वॉज मिस्टर बार्थविक्स ये कहना चाहते हैं जो सिल्वर बॉक्स प्ले है उसमें मिस्टर रोपर मिस्टर बार्थविक के क्या हैं कौन सा रिलेशनशिप है तो फर्स्ट है फ्रेंड सेकेंड लॉयर थर्ड है बटलर, फोर्थ है अटेंडेंट सही आंसर भी है लॉयर होते हैं मिस्टर के क्वेश्चन नंबर नाइन है मिसेज जॉन्स वर्कड एट द हाउस ऑफ मिसेज जॉन्स जो कि मिस्टर जॉन की वाइफ होती हैं जॉन्स की वाइफ होती हैं और ये किसके घर पर एज अ मेड काम कर रही होती हैं ऑप्शन है मिस्टर मार्लो बी है मिस्टर स्नो सी है मिस्टर बार्थविक डी है मिस्टर जोन्स और सही आंसर है सी मिस्टर बार्थविक क्वेश्चन नंबर टेन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जोन्स जोन्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ऑप्शन फर्स्ट है ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन सेकेंड ही इज़ अनविलिंग टू वोक थर्ड ही इज़ अनेबल टू फाइंड वोक फोर्थ his हेल्थ इज deteriorating. उसकी उसका जो स्वास्थ्य वो दिन पर दिन बिगड़ रहा है फोर्थ की मीनिंग होती है इसका सही आंसर है बी क्योंकि ये स्टेटमेंट सही नहीं है इसका मतलब होता है ही इज़ अनविलिंग टू वर्क यानी कि उसकी काम करने की इच्छा नहीं है जबकि ऐसा नहीं होता है तो ये बी वाला ऑप्शन सही नहीं है बाकी सारे सही हैं तो आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर एलेवन है वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ़ अ रिलीविंग ऑफिसर रिलीविंग ऑफिसर का क्या काम होता है फर्स्ट है टू रिलीव स्ट्रेस अमंग द पुअर सेकेंड टू गाइड पीपल इन एंड आउट ऑफ द कोर्ट रूम थर्ड टू इंस्क्राइब द प्रोसीडिंग ऑफ द केसेस और डी है टू मेंटेन लॉ ऑर्डर इन सोसाइटी सही आंसर होता है इसका ए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व व्हाट इज द मजिस्ट्रेट्स रूलिंग ऑन द केस ऑफ लिवेंस गर्ल्स ये कहते हैं कि मजिस्ट्रेट के किस तरह से कानून या रवैया होता है लिविन गर्ल्स के केस पे तो ऑप्शन आपके पास फर्स्ट है दे विल बी सेंट होम विद लिवेंस, बी है दे विल बी सेंट टू अ न्यू होम सी है दे विल बी सेंट टू प्रिजन और डी है दे विल बी सेंट टू द कॉमन लॉजिंग हाउसेस सही आंसर इसका है बी उन्हें नए घर में भेज दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन है टू टेक अप द गजल्स मीन्स एक फ्रेज है इसकी मीनिंग क्या होती है ऑप्शन है फर्स्ट है टू फाइट इन अ बैटल विद गजल्स सेकेंड है टू फाइट फॉर एन आइडिया सी है टू फाइट फॉर वंस राइट्स डी है टू फाइट एट द फ्रंटियर्स क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर है बी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है द सिल्वर सिगरेट बॉक्स वैल्यूड एट सिल्वर सिगरेट बॉक्स की क्या कीमत है ऑप्शन फर्स्ट है फाइव पाउंड्स एट शिलिंग्स सेकेंड है फाइव पाउंड्स टेन शिलिंग्स सी है फाइव पाउंड्स एलेवन शिलिंग्स डी है फाइव पाउंड्स ट्व शिलिंग्स और इसका सही आंसर होता है बी फाइव पाउंड्स टेन शिलिंग्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ईस्टर मंडे एंड ईस्टर ट्यूजडे इन द एक्ट थर्ड ऑफ द सिल्वर बॉक्स सिल्वर बॉक्स में ईस्टर मंडे और ईस्टर ट्यूजडे का क्या रोल होता है फर्स्ट ऑप्शन है दे आर सेलिब्रेटेड एज हॉलीडेज बी है द सिल्वर बॉक्स वेट मिसिंग बिटवीन देम सी द मजिस्ट्रेट गेव हिज रूलिंग ऑन दिस डेज डी मिस्टर एंड मिसेज वर डिमांडेड ऑन बेल सही आंसर है बी इसी के बीच में सिल्वर बॉक्स गुम होता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द डॉग इज अ प्लेस वेयर डॉग की मीनिंग कटघरा होता है यानी कि विटनेस बॉक्स होता है तो फर्स्ट ऑप्शन है विटनेस बी है एन एलिस्ट क्रिमिनल स्टैंडस सी है द मजस्ट्रेट सीट्स डी है द कलग सीट्स तो सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि जहां पर क्रिमिनल को स्टैंड किया जाता है विटने, विटनेस बॉक्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है वाई वॉज मिसेज द ऑबियस सस्पेक्ट फॉर द थेफ ऑफ द सिल्वर बॉक्स सिल्वर बॉक्स की चोरी के लिए क्यों पूरा शक मिस्टर मिसेज जोन्स पर ही जाता था ऑप्शन है शी हेल्प हर हजबैंड एंटर द हाउस शी वॉज अ चोर वुमन चार वुमन एट द बार्थविक्स और सी है शी हैज़ डन सिमिलर थिंग्स बिफोर डी है शी वॉज सीन अलोन इन द रूम वेर द बॉक्स वॉज सही आंसर होगा इसका बी शी वॉज अ चार वमन ऐट द बार्थविक्स चार वुमन की मीनिंग होता है मेड सवेंट यानी कि वो बार्थविक के घर पे नौकरानी होती है इसीलिए उस पर शक जाता है क्वेश्चन नंबर एट है व्हाट वाज मिस्टर बार्थविक्स व्हाट वाज मिस्टर बार्थविक्स इमीडिएट रिएक्शन व्हेन ही हर्ड दैट द बॉक्स वाज मिसिंग जब मिस्टर बार्थविक्स को पता चलता है तो उसका इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है या क्या प्रतिक्रिया होती है ऑप्शन है ही रिब्यूक्ड मिसज जोन्स बी ही कॉल्डेड हिज सन बिकॉज ही लेट मिस्टर जोन्स एंटर द हाउस सी ही सेंट मार्लो टू द पुलिस स्टेशन डी ही कॉल्स द पुलिस स्टेशन सही आंसर है सी वो मार्लो को पुलिस स्टेशन भेजता है क्वेश्चन नंबर नाइन है हुई स्नो स्नो एक कैरेक्टर है लेकिन उसका क्या वर्क होता है तो ये फर्स्ट है आ डिटेक्टिव यानी कि जासूस बी है एन यूशर सी है आ रिलीविंग ऑफिसर डी है आ क्लर्क तो सही आंसर है ए एक डिटेक्टिव होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हाउ डिड जॉन्स एंटर द हाउस ऑफ मिस्टर बार्थविक मिस्टर बार्थविक के घर में जॉन कैसे एंटर होता है ऑप्शन से हिज वाइफ हेल्प्ड हिम एंटर द हाउस बी है जैक हैड फॉगॉट हिज लास्ट की इन द डोर सी है ही एंटर द हाउस एट जैक्स इन्विटेशन डी है मार्लो हेल्प्ड हिम एंटर द हाउस इसका सही आंसर होता है सी जैक उसको इन्वाइट करता है जैक जो कि मिस्टर बार्थविक का बेटा होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन डिमीनर मीन्स क्या होता है क्राइम सेकंड है कंडक्ट थर्ड है एप्टीट्यूड फोर्थ है इंक्लिनेशन सही आंसर है बी कंडक्ट होता है यानी बिहेवियर व्यवहार होता है क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी टू वाई डिड जॉन्स टेक सिल्वर बॉक्स जॉन सिल्वर बॉक्स को क्यों लेता है फर्स्ट है he took it because it was he was under the influence of whiskey b he took it because jack asked him to do so c he took it because he was conscious d he took it because he was pressed for money सही आंसर है ए क्योंकि वो नशे की हालत में होता है इसलिए सिल्वर बॉक्स को ले लेता है क्वेश्चन नंबर टwenty three है which of the following is not true in jack's story जैक्स स्टोरी में ये कौन सा करेक्ट नहीं है फर्स्ट है ही हैड बीन आउट टू द थिएटर बी है ही हैड आ सुपर आफ्टरवर्ड्स डी ही हैड ही केम इन लेट सी है ही केम इन लेट और डी है ही फॉगआउट हीज लास्ट की इन द डोर इसका हो जाएगा डी ये रिलेटेड नहीं है तो डी ही आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है वॉट वॉज द कलर ऑफ द पर्स वी जैक इस च जैक स्टोल फ्रॉम अ वूमन स्टोल में चुराना स्पेलिंग की मिस्टेक है इसलिए कहना चाहते हैं कि जिस पर्स को जैक ने उस औरत से चुराया था उसका कलर क्या था ऑप्शन फर्स्ट है स्काई ब्लू बी है रेड सी है ग्रीन डी है वाइट सही आंसर होगा स्काई ब्लू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है द फर्स्ट प्ले दैट मेड गार्ल्सवर्दी फेमस एज अ प्ले राइट इज वो पहला प्ले कौन सा है जिसने गाल सुवर्दी को एक ड्रामेटिस्ट के तौर पे या प्ले राइट के तौर पे फेमस किया ऑप्शंस हैं जस्टिस सेकेंड सिल्वर बॉक्स थर्ड लॉयल्टीज फोर्थ स्ट्राइफ और सही आंसर है सेकेंड सिल्वर बॉक्स तो ये रहे हमारी आज की वीडियो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन टेक केयर हैव अ गुड टाइम